हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू रैम्स लाइव चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो एयरपोर्ट पे की जाती है। दोस्तों बता दूँ आपको कि मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस चालू करने वाला हूँ जिसका नाम देने वाला हूँ कैनेडा स्टूडेंट हेल्प। सो ये फर्स्ट वीडियो होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म रखूँगा कैड स्टूड हेल्प करके, और ये पूरी सीरीज होगी वीडियो की दोस्तों। और इसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो ज़रूरी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी जो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं कनाडा में। सो ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, और इसमें मैं बताऊँगा फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो एयरपोर्ट पे होगी। जी हाँ दोस्तों, सो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, तो इंडिया से पहला इमिग्रेशन होता है इंडिया में एयरपोर्ट पे। वहाँ पे बोर्डिंग के बाद, चेकिंग करने के बाद जब आप इमिग्रेशन पे आओगे, तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आप एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट हो गया या आपका यहाँ का जो ऑफर लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, वो रख दीजिए। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपने फ़ीस डिपॉजिट की हुई है, आपने GIC अमाउंट रखा हुआ है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में रख दीजिए, और वो फ़ाइल हैंडी रखिए अपने बैग में अपने पास, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और एक दूसरी फाइल बनाइए जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख दीजिए आपके पास, इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब इमिग्रेशन में क्या हुआ था मेरे साथ वो आपको मैं बताता हूँ, सो आपको इससे हेल्प मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इंडिया में इमिग्रेशन के वक्त मुझसे पूछा गया कि व्हाई यू आर गोइंग टू कनाडा। मैंने अपना दिखाया ऑफर लेटर, मैंने कहा कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, और उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, उसके बाद उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। उन्होंने मुझे कहा कि एक डॉक्यूमेंट इसमें कम है, आई डोंट नो कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर खड़ा रखा, वो लोग डिस्कशन कर रहे थे अंदर अंदर, पता नहीं क्या कह रहे थे दोस्तों। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक डॉक्यूमेंट कम है, बट वी विल अलाउ यू फ्रॉम हियर, बट यू शुड बी केयरफुल एट इमिग्रेशन एट कनाडा। सो आई एम रियली स्कैर्ड एट दैट टाइम, आई डोंट नो दे आर टॉकिंग अबाउट विच डॉक्यूमेंट। आई हैव प्रिंटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव ऑन माई ई मेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम वीज़ा एप्लीकेशन, आई हैव ऑल द फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, बट स्टिल दे टॉक अबाउट दैट आई डोंट हैव वन डॉक्यूमेंट इज मिसिंग, आई डोंट नो दे आर टॉकिंग अबाउट विच डॉक्यूमेंट। ओके, फाइनली अंदर जाते ही फ्लाइट में बैठने के बाद, टोरंटो उतरने के बाद, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि क्योंकि उन्होंने मुझे वहीं से डरा दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कनाडा में इमिग्रेशन के वक्त मैं वहां पर पहुंचा, एक लेडी ऑफिसर थी, उनसे मैंने बात की, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और दैट्स इट, सब ठीक रहा, उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दी। जी हाँ दोस्तों, सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें तो आपको अच्छा रहेगा। इंडिया में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे उन्होंने, और मुझे सवाल पूछे थे कई सारे के कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, उस कोर्स से रिलेटेड आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती है। आई डोंट नो व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स, आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बट स्टिल, बट इट्स गुड दैट आई हैव ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो आपके जो ईमेल्स आए हुए हैं आपके पास, वो भी आप अपने मोबाइल में रखें, ताकि आप दिखा सकें किसी भी वक्त अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो। एयरपोर्ट पे आप अकेले होते हुए, आपके साथ कोई नहीं होता है, देर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, राइट? यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट आई हैव ऑल द ट्रू डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली ऐसा पहले नहीं था, अभी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पे, लोग कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं इलीगली, और बहुत सारे काम यहाँ भी हो रहे हैं इलीगली, जैसे कि 20 आवर्स से ज़्यादा वर्क करना, ऐसा कुछ अभी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो इस सारी चीज़ों की वजह से वो लोग अभी काफ़ी डाउट करते हैं स्टूडेंट्स पे, क्योंकि बहुत सारे फेक स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। सो दैट इज़ द रीज़न के दैट यू आर दे आर चेकिंग सो मच। ओके, सो इट इज़ बेटर टू कीप योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ई मेल ऑल्सो, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और दूसरी चीज़ जो कनाडा में आपको कभी नहीं भूलनी, वो है इमिग्रेशन के वक्त आपको स्टडी परमिट दी जाएंगी अगर आप स्टडी करने आते हो तो, आपको वर्क परमिट दी जाएगी अगर आप वर्क करने आते हो तो, उस टाइम पर वो जो भी इमिग्रेशन का ऑफिसर है आपके साथ, वो आपको बता देगा कि स्टडी परमिट मिली है आपको, तो आपको 20 आवर्स वर्क करने की परमिट मिलती है साथ पे पर वीक में, उससे ज़्यादा नहीं। ऑन कैंपस आप जितना चाहे वर्क कर सकते हो, वो इंक्लूड नहीं होगा आपके ऑफ कैंपस के 20 आवर्स वर्क में, राइट? सो इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव अ जॉब ऑन कैंपस इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यू कैन डू इट एट एनी अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, इट डजेंट मैटर,
उसके साथ साथ आप 20 आवर्स वर्क भी कर सकते हो ऑफ कैंपस में, ओके, सो इट्स गुड, राइट? सो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से आपको मिल जाएगी. सो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप सच्चे हैं तो, और आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सभी प्रूफ है, तो वो आपको काम आएंगे, ओके. वन मोर थिंग इज दैट कैनेडा में इमिग्रेशन के वक्त मुझसे पूछा गया था कि आपका कोर्स कितने ड्यूरेशन का है. वो कुछ भी मेंशन नहीं था मेरे ऑफर लेटर के ऊपर. सो वो पूछ रहे थे कि कितने ड्यूरेशन का है, और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि मैं कैसे ये मान लूँ कि आपने जो फीस डिपॉजिट की हुई है ये प्रिंट आउट ओरिजिनल है. तो मैंने कहा कि मेरे पास ईमेल है. सो मैंने ईमेल दिखाया, एंड दैट्स ओके. और मैंने कहा कि जनरली मास्टर्स 2 साल का होता है, लेकिन डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है और उससे कम में भी ख़त्म हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट? सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर उन्होंने मुझे अपना स्टडी परमिट दे दिया. सो इट इज़ गुड टू कीप योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विथ यू, इंक्लूडिंग योर ईमेल. जो भी इम्पोर्टेंस ईमेल है उसे स्टार्ट करके इम्पोर्टेंट फोल्डर में रख लीजिए दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. सो ये था पहला वीडियो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में एयरपोर्ट पर जो की जाती है. और एक चीज़ दोस्तों, कि अगर आप पहली बार आ रहे हो कैनेडा और किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, तो टोरंटो में आपका इमिग्रेशन होगा, एंड वैनकूवर में भी इमिग्रेशन होता है. ये मुझे अभी अभी पता चला है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था, वो वैनकूवर से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो उसका वैनकूवर में इमिग्रेशन हुआ था. तो दोस्तों, इमिग्रेशन के टाइम पर क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो पहला, कि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको आपके लगेज टोरंटो या वैनकूवर में दिए जाएंगे. आई डोंट नो इफ और किसी जगह पर भी इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है नहीं कैनेडा में. मुझे पता है कि टोरंटो और वैनकूवर में होती है. अगर आप में से किसी के पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके. सो टोरंटो और वैनकूवर में इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, और उस टाइम पर अगर आप पहली बार आ रहे हो और आपका इमिग्रेशन होगा, तो आपको अपने लगेज वहाँ से खुद ही हैंडल करने हैं, ये दोनों जगह से, टोरंटो और वैनकूवर से. इमिग्रेशन होने के बाद आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट होगी, उस फ्लाइट में आप अपने लगेज फिर से चेक इन करके दे देंगे, ओके. सो ये पूरा प्रोसीजर है. नाउ वन मोर थिंग, इफ यू हैव बुक्ड योर फ्लाइट ऑलरेडी फ्रॉम टोरंटो टू एनीवेयर, लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम कमिंग टू रजाइना, और मैंने अपना फ्लाइट पहले से बुक किया हुआ है, लेकिन इमिग्रेशन की वजह से, इमिग्रेशन में टाइम लगता है, सो उसकी वजह से अगर आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, सो यू डोंट हैव टू वरी फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग आपकी फ्लाइट अरेंज करके देंगे, राइट? बिकॉज इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, process that you missed your flight, right? So you don't have to worry, उसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है? So वो लोग आपको next flight अरेंज करके देंगे, सिर्फ आपको आपके लगेज का ध्यान रखना है, ठीक है? So ये important चीज़ थी. So टोरंटो और वैनकूवर में इमिग्रेशन होता है कैनेडा में, ओके. सो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी. अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या मैं बताऊंगा, तो वो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, कि सबसे पहला स्टेप, आप कैनेडा के एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करके बाहर आते हो, तो सबसे पहली चीज़ आप ढूंढते हो अकोमोडेशन, राइट? सो अकोमोडेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, और आपको इंडिया से यहाँ आते वक्त क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों. सो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस चैनल को. बहुत ही सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहूँगा, और क्या क्या होता है आगे मेरे लाइफ में वो भी मैं शेयर करता रहूँगा दोस्तों. और इस सीरीज़ में बहुत वीडियो आएंगे, ये एक पक्की बात है दोस्तों. सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर फ्रेंड्स, एंड बाय.